सबसे पहला जो हम फायदा देखते हैं चले पहले फायदा देखते हैं ड्रॉप शिपिंग का क्योंकि आपको इन्वेंटरी खुद से मैनेजिंग आपने करनी इन्वेंटरी जब मैनेजिंग करनी इससे मुराद यह है कि आपका जो ओवरहेड है वो रिड्यूस हो रहा है ओवरहेड क्या था कि आपने वेयर वेयरहाउस अपना खरीदना या रेंट पे करना है अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है आपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है आपने अगर आपका फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल फ़ोन ही हो ऑनलाइन फ़ॉर एग्जांपल आप फ्रूट भी ऑनलाइन सेल करते हैं ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो अगर आपका कोई पेरिशेबल आइटम है यानी ऐसा आइटम है जिसकी लाइफ जो है वो कम है तो आपने आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आप फ्रूट सेल कर रहे हैं या कोई वेजिटेबल सेल कर रहे हैं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल को आप ट्वेंटी आवर या लेट सपोज़ फोर्टी आवर में सेल नहीं करते या सेल नहीं कर पाते तो या तो उसके ख़राब होने का या उसके ज़ाया होने का खदशा है या दूसरी सूरत में आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यानी मोर इन्वेस्टमेंट आपको फ्रिज वगैरह लेना पड़ेगा कुछ आ, कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपकी जो पेरिशेबल आइटम है वो ख़राब ना हो खासतौर पे जो ये ग्रॉसरी वगैरह या जो फूड स्टफ होता है उसको अगर आप इन्वेंट्री में रख रहे हैं तो वो ओवरहेड आपका यहाँ पे कम हो जाएगा यस बिल्कुल कम होगा ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, और क्योंकि आपका ओवरहेड कम है तो आप ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं मुराद ये है कि जहां पहले मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर कर रहा था क्योंकि मेरे पास एक फिक्स इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मैंने कुछ चीजें खरीदी हुई थी अब मेरे मैंने इन्वेस्ट कुछ नहीं करना तो आई कैन टॉक टू मल्टीपल वेंडर्स मैं मल्टीपल सप्लायर से बात कर सकता हूं जो ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटीज देते हैं तो जहां पहले मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफर कर रहा था अब लेट सपोज uh, मैं हेल्थ से रिलेटेड भी या मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर कर सकता हूँ मतलब मैं अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को ब्रॉड कर सकता हूँ ऑब्वियसली बात है जब मैं प्रोडक्ट ऑफरिंग ब्रॉड करूंगा इन्वेंटरी मैनेजमेंट मुझे करनी कोई नहीं है तो ऑब्वियसली इट्स अ लो लो रिस्क गेम यानी इसमें आ, फेलियर का चांस रिलेटिवली कम है प्राइम इसका प्राइम रीज़न ये है यानी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ यू नो पी के आर यानी जो पैसे हैं वो मुझे इन्वेस्टिंग करने ये तो इसकी इसके प्रॉज हो गए अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं वो ज़रा आपने अब ज़रा समझ लिया जब आपने ड्रॉप शिपिंग किसी की फैसिलिटी यूज कर ली तो आप यह समझें कि आपने क्या गिवअप किया है गिवअप यह किया है कि ब्रांड नेम आपका है लेकिन ब्रांड नेम के अगेंस्ट जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो आपने आउटसोर्स कर दी है आसान लफ्ज में आपको समझाता हूँ कि जो कस्टमर है वो खरीद तो रहा है आपसे और आपने उससे एक टाइम भी कमिट कर दिया कि हफ्ते में दे देंगे लेकिन आपकी रिलायंस यानी जो आपका ब्रांड है आपका जो ट्रस्ट है इन लोगों का, आपके स्टोर पे जो ट्रस्ट है वो अब किसी दूसरे के कंट्रोल में चला गया यानी मतलब अगर जो ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी है वो अगर एक हफ्ते में डिलीवर नहीं कर पाती जो प्रोडक्ट कमिट किया हुआ है तो कस्टमर को ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी का नहीं पता कस्टमर को आपका पता है। तो ब्रांड नेम किसका खराब होगा आपका जो कस्टमर लूज होने का चांस है वो ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी का नहीं है वो आपकी कंपनी का तो जो कस्टमर का ट्रस्ट लूज होगा या जो ट्रस्ट डैमेज होगा वो आपकी ब्रांड के ऊपर होगा आपकी कंपनी में होगा एंड यू नो वी ऑल नो कि वंस खासतौर पे ऑनलाइन में अगर आपका ब्रांड है वो एक बारी खराब होना शुरू हो जाए लोगों का ट्रस्ट जरा सा शेक होना शुरू हो जाए तो कंपटीशन इतना ज्यादा है बड़ा मुश्किल होता है बाउंस बैक करना जब आपका ट्रस्ट शेक हो नंबर वन नंबर टू दूसरा पॉइंट कि आपकी जो जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है वो अब ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी के कंट्रोल में है मतलब आसान लफ्जों में कि अगर तो आपकी ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी अच्छी है यानी ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी ने अपना इन्वेंटरी मैनेजमेंट सप्लाई साइड मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ तो आपके लिए आपका स्टोर रिलेटिवली सेफ साइड पे है वरना अगर ड्रॉप शिपिंग वाली कंपनी खुद क्या में है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्टोर है वो भी क्या में है तो आपने अपनी जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है यानी जो चीजें आप क्लाइंट को बेच सकते हो वो भी आपने डिपेंडेंट कर दी है तो अगेन यू आर लूजिंग कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यानी जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि देखें ऑनलाइन स्टोर पे मेरा रेवेन्यू कमाने का तरीका क्या है कि मैंने अगर मैं खुद मैनेज कर रहा होता है सप्लाई साइड तो लेट्स सपोज मैंने हज़ार मैंने लैपटॉप ख़रीदे और एक लैपटॉप की कीमत थी फॉर एग्जांपल पचास हज़ार रुपए यानी मैंने होल सेल में ख़रीदे पचास हज़ार का एक लैपटॉप ख़रीदा हज़ार लैपटॉप खरीदे और मैंने अपनी ऑनलाइन स्टोर पर एक एक करके बेचा यानी मुझे लेट सपोज एक लैपटॉप पड़ता था पचास हजार का जब मैंने हज़ार खरीदे जब मैं एक एक करके बेच रहा हूँ तो मैं फॉर एग्जाम्पल साठ हजार का बेच रहा हूँ तो एक लैपटॉप के ऊपर मेरे पास दस हज़ार का प्रॉफिट आ गया तो हजार के ऊपर उसी हिसाब से मेरा प्रॉफिट हो जाएगा जब आप खुद खरीद नहीं रहे यानी जब आप बल्क में खरीद नहीं रहे इसका मतलब यह कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम होगा रीजन कि आप अगर चीज खरीद ही खुद नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है आप रेवेन्यू में भी आपका कट है वो कम होगा क्योंकि आपके बिहाफ में कोई दूसरा दूसरी कंपनी खरीदे तो वो अपना प्रॉफिट आपसे गेन करेंगे यानी आपने जो जो कस्टमर से पैसे लेने हैं उसमें जो आपका कट होगा वो कतन उतना नहीं होगा जो अगर आपने खुद परचेस किया होता खुद इन्वेंटरी मैनेज की होती खुद चीजें आपने सप्लाई साइड पर रखी होती मैनेजमेंट तो वो प्रॉफिट मार्जिन आपके कभी भी उतने नहीं हो सकते जो ड्रॉप शिपिंग में होते और ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं सो जस्ट टू रैप अप अब ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इट डिपेंड कि आपके पास अगर इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन कैश कुछ टाइम फ्रेम के लिए आप ड्रॉप शिपिंग यूज कर लें क्योंकि इससे आसानी तो है लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है या ये वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग अपॉन सर्टन थिंग्स कि वो यानी हर कंपनी ऑब्वियसली जब भी कोई कंपनी ये डिसीजन करती है कि ड्रॉप शिपिंग करनी है कि नहीं करती वो इसी तरह का प्रोज एंड कॉन्स का एनालिसिस करके देखते हैं कि जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है दे गो फॉर दिस थिंग सो कॉन्स वर्सिस प्रो इट इट डिपेंड यानी मैं ये नहीं कह सकता कि uh, हमेशा ही ड्रॉप शिपिंग करें या हमेशा ही ड्रॉप शिपिंग ना करें इट डिपेंड सो ये चीजें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करें और रन करें तो यू शुड हैव दी थी, दीज ऑप्शन इन योर माइंड कि ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन भी आजकल इज़ीली अवेलेबल है